वहीं सोनभद्र पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने नगवा ब्लॉक के मऊ कला गांव में चल रहे बौद्ध महोत्सव में शिरकत की। उन्हें मंच से सरकार पर जमकर निशाना साधा और देश के साधु संतों को आतंकवादी बताया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी को गौशाला की जंगल पशुओं की पाठशाला खोलने की नसीहत दी और स्वामी प्रसाद मौर्य ने नवरात्रि को नौटंकी का दर्जा दिया। वाराणसी के रामनगर में फेंकी गई स्याही पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा मुझ पर काली स्याही फेंकने का प्रयास किया गया, लेकिन ऊपर ना मेरे गाड़ी के ऊपर पड़ी और ना कोई स्याही मुझ पर पड़ी। स्याही फेंकने आए लोगों को सुरक्षा जवान घसीट कर ले गए। उन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर भी निशाना साधा और कहा कि यह बाबा अगर इतने बड़े चमत्कारी संत हैं तो जो सीमा पर चीन से विवाद हो रहा है ऐसे चीन को भस्म करके दिखाए। हमारे देश में नवरात्रि का समय आता है तो उस समय देवियों को नारी शक्ति के रूप में पूजा जाता है, लेकिन कुछ लोग जिंदा देवियों को अपमानित करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को नवरात्र के समय में देवियों की पूजा के नाम पर नाटक करने का काम बंद कर देना चाहिए। भाई नंदलाल जी देखे सांग करके मान्य बीच में सम्मानित है। सर टेंगरा मोड़ पर अभी जो है आपकी गाड़ी पर स्याही फेंकी गई, कुछ हिंदू संगठनों ने फेंका, क्या कहना है उस पर आपको? तीन चार लड़के थे, माला लिए थे, स्याही भी रखे रहे होंगे, हमें जानकारी नहीं है। जी जी। लेकिन स्थानीय पुलिस उनको दबोच के पीछे ले गई। वो मेरे ऊपर फेंकना चाहते थे लेकिन वो फेंकने की नौबत ही नहीं आई, पुलिस उनको घसीट ले गई। क्या लगता है आपको, कोई आपके ऊपर कोई खतरा है क्या? नहीं, हमारे ऊपर तो कुछ पड़ा नहीं, तो हमें क्या होना, ना हमारी गाड़ी पड़ा ना हमारे ऊपर पड़ा।